आप सभी का यहाँ पर इस चैनल पे स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं कि नेट पे काफ़ी सारे वीडियोस अवेलेबल है जिसमें RRB ALP के एग्ज़ाम, उसके ऑब्जेक्शन, उसके रिजल्ट के बारे में बताया गया है, कट ऑफ के बारे में बताया गया है। तो आज हम ये चर्चा करेंगे कि कौन सा वीडियो वास्तव में रियलिटी में इंपॉर्टेंट है और कैंडिडेट्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले है। तो आप सभी, अगर हम जानेंगे कि आप सभी वीडियो देखने के बाद सभी कैंडिडेट्स के माइंड में एक ही ख्याल आता है कि इस वीडियो में कुछ भी नहीं है और मेरे काम का कुछ नहीं है। तो यहाँ पर सारे वीडियोस का एनालिसिस किया गया है, स्टूडेंट्स की क्वेरीज को एनालिसिस किया गया है, उसके हिसाब से यहाँ पर ये वीडियो बनाया गया है। तो प्लीज़ ये वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको एक अच्छी क्लैरिटी मन में आए, माइंड में आ जाए। तो इस वीडियो में क्या हम देखने वाले हैं, तो इस वीडियो में हम शुरुआत में देखेंगे क्या कट ऑफ रहेगा, ऑब्जेक्शन कैसे रेज करना है, किसको ऑब्जेक्शन रेज करना चाहिए, कैसे रेज करना चाहिए, किस पार्ट में रेज करना चाहिए, और उसके बाद एक्सपेक्टेड रिजल्ट की भी हम चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो की जल्दी से शुरुआत कर देते हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो कट ऑफ रिजल्ट और उसके बारे में हम ऑब्जेक्शन के बारे में देखने वाले हैं। तो पहले कट ऑफ की अगर हम बात करें तो पार्ट बी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, सभी को पता है। इसमें हमें 26.75 मार्क्स लाने ही हैं, मतलब कि 35% ऑफ 75 के हिसाब से अगर हम देखें तो 27 मार्क्स आपको लाने हैं। लेकिन काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके 50 प्लस अलग अलग जो ट्रेड्स अवेलेबल, उसमें 26 भी मार्क्स नहीं हो रहे हैं। तो काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिसके मार्क्स 21, 23 है। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जिनके मार्क्स 30 प्लस है। और पार्ट ए की अगर हम चर्चा करें तो काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 60 प्लस है, 80 प्लस है, 65 प्लस भी है। तो हम चर्चा करेंगे पार्ट बी के बारे में। तो पार्ट बी काफ़ी ख़राब गया है काफ़ी कैंडिडेट्स का, और वो चाहते हैं कि पार्ट बी पास हो जाए। और पार्ट ए में तो सभी का एवरेज गया हुआ है। तो यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ कि पार्ट बी ट्रेड वाइज है। अगर हम देखें टोटल 50 प्लस ट्रेड्स RRB के द्वारा लिए गए थे, तो यहाँ पर हम देखें अगर तो पार्ट बी में सभी लोग ऑब्जेक्शन नहीं लेंगे, वो कौन लेगा? तो जिन्होंने इस ट्रेड का एग्ज़ाम दिया हुआ है, या फिर कुछ ट्यूटर्स ऐसे बैठे हुए हैं जिनके लिए कुछ ट्रेड काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो उन्हीं में ऑब्जेक्शन लिया जाएगा। तो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनको खुद को लगता है कि ऑब्जेक्टिव मेरा सही है और आंसर की गलत है, तो उनको पर्सनली इस बार ऑब्जेक्शन रेज करना होगा। क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऐसे रहते हैं कि जो मानते हैं कि मैं ऑब्जेक्शन रेज नहीं करूंगा, और सारे लोग इंडिया के जो बैठे हुए हैं वो ऑब्जेक्शन रेज करेंगे और मुझे मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस बार ये होने में गलती हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर 50 प्लस ट्रेड्स अवेलेबल है और हर एक ट्रेड में हर एक एक्सपर्ट नहीं बैठा हुआ होता है। तो प्लीज़ यहाँ पर याद रखिए, आप अगर आपको लगता है कि ये मेरा सही है तो प्लीज़ आप ऑब्जेक्शन रेज कर दें ताकि आपके पार्ट बी क्वालिफाई हो जाए। क्योंकि पार्ट बी अगर आप क्वालिफाई होंगे तभी आपको पार्ट ए के कट ऑफ के बारे में सोचना है। लेकिन फिर भी हम चर्चा करेंगे पार्ट ए में कौन से कट ऑफ रहेंगे। तो अगर हम ओवरऑल मार्क देखें तो टोटल 100 मार्क का एक क्वेश्चन था, और काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके 80 प्लस मार्क्स भी है। लेकिन अगर हम ओवरऑल अप्रोच लेके चले सभी अलग अलग पोस्ट के लिए अगर हम चर्चा करते हैं, तो 64 प्लस यहाँ पर हम मार्क्स अज्यूम कर सकते हैं ओपन कैटेगरी के लिए, और उसके हिसाब से अदर कैटेगरी में आप समझ सकते हैं कितने मार्क्स हो सकते हैं। तो अभी हिसाब से हम देख रहे हैं 64 प्लस का हम टारगेट लगा रहे हैं पार्ट ए के लिए। हावेवर ये टारगेट ज़्यादा भी बढ़ सकता है या फिर कम भी हो सकता है, लेकिन एक माइंड में क्लियरिटी रखे, 64 प्लस मार्क्स आने की संभावना यहाँ पर है। अगर हम बात करें तो इसके रिजल्ट के बारे में चर्चा करते हैं, तो इसके एक्सिबिलिटी वन के अगर बारे में चर्चा करें तो आप पाते हैं कि अगस्त महीने में पूरा एग्जाम लिया गया था, पूरे महीने ये एग्जाम चला था। करीब करीब 45 लाख स्टूडेंट्स अपियर हुए थे, उसमें से 13-14 लाख स्टूडेंट्स को क्वालिफाई कर लिया गया था CBT 2 के लिए। और उसका ये रिजल्ट, ये जो पूरा रिजल्ट का प्रोसेस है, उन्होंने सिर्फ 2 महीने में कंप्लीट किया हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि अगर ये CBT 2 का एग्जाम इन्होंने लिया हुआ है, 2-3 दिन का जो क्वेश्चन रेज आंसर शीट व्यू के लिए टाइम दिया हुआ है, तो उसके 1.5 महीने में इसके रिजल्ट आने के पूरे पूरे चांसेस है। अगर हम मोटा अगर देखें तो इलेक्शन से पहले इसके रिजल्ट आने की संभावना है, और उस इलेक्शन के बाद इसकी एग्जाम होने की संभावना पूरे पूरी है। तो यहां पर हम देखें कि CBT 2 का एग्जाम का रिजल्ट कब आ सकता है, तो हमने ये जाना। अब हम समझे कि ऑब्जेक्शन किसको रेज करना है, तो मैंने पहले ही बता दिया कि पार्ट बी में सारे कैंडिडेट्स जिनको लगता है कि मेरा ये क्वेश्चन सही है, आंसर की गलत है, सभी को क्वेश्चन रेज करना चाहिए। किसी के भरोसे आज बैठने की ज़रूरत नहीं है, तो आज भी उनके पास टाइम है। तो फिर से लॉगिन करें, और कैसे ये प्रोसेस ऑब्जेक्शन का है वो यहाँ पर कम्प्लीटली बताया गया है। तो इसे ध्यान से फॉलो करें, वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपके माइंड में सारी क्लियरिटी आ जाए। तो यहाँ अगर हम देखें तो कैसे रेज करना है ऑब्जेक्शन,
तो यहाँ पर लिंक दी गई है, उसके हिसाब से आपको आरआरबी के वेबसाइट पे जाना है, और उसमें जो पहला लिंक दिया गया हुआ है 20 तारीख का जो लिंक दिया गया है उसमें आपको CN01/2018 सेकंड स्टेज CBT द डेट टू रेज ऑब्जेक्शन इज एक्सटेंडेड टिल 21/02/2019 उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे इस पेज पे, और इस पेज के बॉटम में आपको लॉग इन का बटन दिखाई देगा। उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये कुछ लॉग इन का ऑप्शन दिखेगा, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर अपना डालना है और बर्थ डेट डेट ऑफ बर्थ आप डालेंगे, और लॉगिन करने के बाद आपको अपने जो क्वेश्चन है वो भी दिखाई देंगे, रिस्पॉन्स दिखाई देंगे, ऑब्जेक्शन कैसे रेज करना है वो भी दिखाई देगा। तो अगर आपको सबसे पहला क्लिक करना है कैंडिडेट्स रिस्पॉन्स पे, अगर आप क्लिक करेंगे तो एरो से दिखाया गया है आपको नई स्क्रीन में कुछ इस तरह का स्निपशॉट दिखाई देगा, और उसमें अगर आप क्लिक हियर टू डाउनलोड योर क्वेश्चन पेपर एंड रिस्पॉन्स पे क्लिक करेंगे तो आपका पूरा आंसर शीट दिखाई देगा, जिसमें ग्रीन कलर से उनके सही आंसर दिखाए जाएंगे। अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो आपका नंबर भी साइड में दिखाया डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, तो मैंने पहले ही कहा कि पार्ट बी में ज़्यादातर आपको क्वेश्चन रेज करने हैं, क्योंकि पार्ट ए के लिए तो काफ़ी सारे कोचिंग क्लासेस बैठे हुए हैं, काफ़ी सारे इंटेलिजेंस स्टूडेंट्स भी बैठे हुए हैं जो सोचेंगे कि ये मेरा सही है ये उनका गलत है, तो वो तो पार्ट ए का आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, आपको सिर्फ टेंशन लेना है पार्ट बी के बारे में। तो उसमें आपको कैसे क्वेश्चन रेज करना है, तो पहले आपको पार्ट बी के सारे 75 क्वेश्चन अपने देख लेने हैं, और उसमें से जो जो भी आपको डाउटेबल रहे उसका आपको बारी बारी से स्निपशॉट लेके को एक फोल्डर में सेव कर लेना है, ताकि आपको उस क्वेश्चन के बारे में पूरी पूरी माहिती रहे कि उस क्वेश्चन में ये चार ऑप्शन थे और मैंने ये टिक करा हुआ था। ओके, तो आपको सभी सारे आपको अगर लगता है कि मेरे 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डाउट वाले हैं, 10 क्वेश्चन ऐसे हैं, तो आप सभी को स्निपशॉट लेके एक फोल्डर में सेव कर लीजिए। उसके बाद आपको जाना है ऑब्जेक्शन टैब में, तो लॉग इन करने के बाद आप ऑब्जेक्शन टैब में अगर आप जाएंगे तो आपको इस तरह का कुछ विंडो दिखेगा। ऑब्जेक्शन कैसे रेज करेंगे, तो यहाँ पर आरआरबी द्वारा एक अच्छी फैसिलिटी दी गई है कि आपको एक के बाद एक ऑब्जेक्शन रेज करने हैं। मतलब यहाँ पर जो लिखा गया है क्लिक हियर टू रेज ऑब्जेक्शन, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप एट अ टाइम सिर्फ एक ही ऑब्जेक्शन रेज कर सकेंगे। मतलब कि आपने जो अलग अलग क्वेश्चन के स्निपशॉट लिए हुए हैं उसमें से आप एक क्वेश्चन को पकड़ लीजिए और उसके बारे में पहले आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है, वो उसका काम कंप्लीट करने के बाद फिर से इस तरह का प्रोसीजर करना है और क्लिक हियर टू रेज ऑब्जेक्शन करके बारी बारी से 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन के लिए प्रोसेस कंप्लीट करना है। तो अगर आप क्लिक करेंगे क्लिक हियर टू रेज ऑब्जेक्शन तो आपको कुछ इस तरह का विंडो दिखाई पड़ेगा, जिसमें आपकी एग्जाम डेट भी लिखी हुई हुई जाएंगी और एग्जाम शिफ्ट भी दिखाई जाएंगी। उसके उसके बाद आपको क्वेश्चन आईडी पहले डालना होगा, उसके बाद आपको ऑप्शन दिखाई देगा। तो क्वेश्चन आईडी में आपको क्या डालना है, तो मैंने पहले ही कहा कि आप क्वेश्चन स्निपशॉट लेंगे तो उसमें आपको क्वेश्चन आईडी दिखाई देगा, वो आपको यहाँ पर एंटर करना है, और उसके बाद आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑब्जेक्शन में सिलेक्ट करना है। अगर आप टाइप ऑफ ऑब्जेक्शन में क्लिक करेंगे तो आपको एक ड्रॉप डाउन मेनू दिखेगा, उसमें अलग अलग तरह के मेनू ऑलरेडी वी ऑप्शन दिए गए हैं, उन्हीं से में से आपको सिलेक्ट करना है। दाखिल जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें तो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, इनकरेक्ट और एम्बिगुअस क्वेश्चन, आपको जो भी लगे कि ये ऑब्जेक्शन है तो उस पर आप टिक कर दे, उसके बाद एक्सप्लेनेशन आपको लिखना है। तो यहाँ पर आपको टू द पॉइंट एक्सप्लेनेशन लिखेंगे तो आपका बेनिफिट रहेगा। यहाँ पर आप कुछ अच्छे बुक्स का रेफरेंस डाल सकते हैं, नाम डाल सकते हैं, पेज नंबर भी डाल सकते हैं एडिशन के साथ, या फिर अगर आपके पास इस तरह का कोई भी प्रूफ नहीं है तो सिर्फ अपना अच्छा सा एक्सप्लेनेशन लिख दे कि ये ऑप्शन मुझे लग रहा है ये आंसर भी होने चाहिए या फिर ये नहीं हो सकता। तो आप अपने हिसाब से एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह से क्लियर लैंग्वेज में लिखिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक भी कम करें तो अच्छा रहेगा। तो जितना एक्सप्लेनेशन क्लियर रहेगा उतने आपका ऑब्जेक्शन सही होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है, और ये सारी प्रोसेस जो मैंने बताई वो हर एक ऑब्जेक्शन के लिए आपको करते रहना है। उसके बाद आप ये सब कुछ करने के बाद आपको मेक पेमेंट में चले जाना है, और उसमें ऑटोमेटिकली आपने जो भी क्वेश्चन रेज करे हुए हैं 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन उसके हिसाब से आपको अमाउंट दिखाई जाएगी। अगर आपने 5 क्वेश्चन रेज करे हुए हैं तो आपको 5 × 50 मतलब कि ₹250 पेमेंट करने के लिए बोले जाएंगे, और आपको पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट कर देना है, अपने डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर देना है। तो इसको काफ़ी अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। तो मैंने पहले ही कहा कि पार्ट बी में अभी भी जिन्होंने कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं करा हुआ है तो प्लीज़ अपना आंसर की देखे, जो भी डाउट है वो कर दे, और अगर आपका डाउट सही होता है तो आपको रिफंड ₹50 मिल जाएंगे पर ऑब्जेक्शन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपको आरआरबी से रिलेटेड एएलपी से रिलेटेड माहिती चाहिए तो इस चैनल को खास करके सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो थैंक यू।